टिकट कटने पर बीजेपी के सांसद मोहन मंडावी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि निचले स्तर पर बीजेपी के नेताओं ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया है। बीजेपी टिकट वितरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। पार्टी कहे तो आज मैं त्याग पत्र भी दे दूंगा। पार्टी की छवि खराब हो रही तो मुझे हटाएं। मेरे काम की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी और नड्डा ने भी किया है। मैं कांकेर में धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़ा हूं। संसद में मेरी सबसे ज्यादा उपस्थिति और प्रश्न पूछा है। मुझ जैसे निर्मल आदिवासी का टिकट कटा तो आदिवासियों को क्या जवाब देंगे? तो ये बड़ी बात कही है। इनका टिकट काट दिया गया है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि मेरा टिकट निचले स्तर के बीजेपी नेताओं ने षड्यंत्र किया है, यानी निचले स्तर के जो बीजेपी के नेता हैं उनके कहने पर टिकट काटा गया है सौरभ सिंह परिहार, अगर इनकी बात को माना जाए तो। बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों जो है 11 लोकसभा के लिए 11 प्रत्याशियों के नाम तय हुए और कांकेर से जो सांसद हैं मोहन मंडावी, उनको बहुत उम्मीद थी कि उनको जो है दूसरी बार बीजेपी से टिकट दी जाएगी, लेकिन जब लिस्ट आई तो उनका नाम गायब था। और इससे पहले कि तमाम बड़े नेताओं ने जो है उनको आश्वासन दिया था कि आपका काम बहुत अच्छा है, संसद में जो आपकी उपस्थिति और आपके प्रश्न भी बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे में जैसे उन्होंने खुद बताया कि पीएम मोदी और नड्डा भी जो है बी एल संतोष भी जो है उनके की तारीफ जो है करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरीके से उनकी टिकट कटी है इनके लिए जो है उनकी जिम्मेवारी जो है छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को वो ठहरा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब मोदी नड्डा और बी एल संतोष जो है उनके काम की तारीफ कर चुके हैं तो वो जो है मेरी टिकट नहीं काट सकते, बल्कि भाजपा के जो यहीं के जो नेता है वो मेरी टिकट काटने में लगे हुए थे। और उन्होंने कहा है कि अगर मुझ जैसे निर्मल आदिवासी की टिकट काट दी जाए तो हम जो है आदिवासियों को लेकर क्या जवाब देंगे। और निश्चित रूप से धर्मांतरण के मुद्दे को कर याद होगा आपको राहुल, यह मुद्दे को लेकर बस्तर में जो है जबरदस्त फ्रंट फुट पर जो थे जो है इसी तरीके की बात वो करते थे कि जो है धर्मांतरण नहीं होगा। चलिए सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आपने बातचीत भी की है, उसी का अंश सुनाते हैं अपने दर्शकों को। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 11 लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कांकेर के सांसद मोहन मंडावी की टिकट काट दी गई है। और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं मोहन मंडावी जी हैं, जिसे रामायणी सांसद भी कहा जाता है। तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं रामायणी सांसद कह रहे हैं, लेकिन आपकी टिकट काट दी गई, आखिर क्या कारण रहा कि आपकी टिकट कट गई? देखो भाई साहब, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी मैं उसका पूरा अक्षर से पालन किया। मैं इतना विकास काम कराया, ऐसा लगता है मुझे टिकट काटने का कुछ निचला स्तर के लोग मेरे प्रति कूट रचित किए हैं, धोखाधड़ी और मेरे खिलाफ षड्यंत्र लिखवाए होंगे और इसको पेश किए होंगे। मैं ये चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जब भी मेरे को मिलते थे, मोहन तुम्हारा रामायण सुनना है, मुझे धन्यवाद देते थे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी जब भी मिले पीठ थपथपाए और कहे मोहन तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। यहाँ तक के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री बी एल संतोष अभी लास्ट समय में एक कार्यक्रम में मिले, मोहन तुम्हारा बहुत ही अच्छा रिपोर्टिंग है, तुम और अच्छा काम करो, इतना कहने के बाद भी मेरा टिकट कटा, मुझे ये सजा दे रहे हैं, तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। और क्या हो सकता है? तो इसके बाद ऐसे लोगों को काटेंगे जिसका मन निर्मल हो तो बड़ा गलत संदेश जाएगा। भविष्य में हम आदिवासियों के साथ हम क्या जवाब देंगे? पूरे मामले को लेकर पत्र लिखेंगे या मुलाकात करेंगे? अब क्या मुलाकात करेंगे, मीडिया ही काफ़ी है हमारे लिए, हम बोल रहे हैं। और हमको जो जिम्मेदारी दिए थे और आज भी हमें कहे कोई पार्टी की आप त्याग पत्र दे दो, हम त्याग पत्र दे देंगे। पार्टी क्यों बोलेगी त्याग पत्र देने के लिए? क्योंकि पार्टी ने तो जो डिसीजन दे दिया, अगर आप नाराज हो तो आप त्याग पत्र देंगे? नहीं, हम तो पार्टी के सच्चे सिपाही हम लगे हैं, है नहीं, और काम ना हो तो भी हम काम करेंगे। लेकिन यदि ऐसा किसी को लगता है मेरे कारण कोई पार्टी की छवि खराब हो रही है मेरे कारण से, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो ये थे हमारे साथ कांकेर के सांसद मोहन मंडावी जी, जिनकी टिकट कट गई है।
और वो काफ़ी नाराज़ हैं, उनके पूरे बयानों से यही पता चलता है। और उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि उनको टिकट नहीं मिली है, इसके पीछे यही के बीजेपी के नेता हैं छत्तीसगढ़ के ही, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से अगर मुलाकात होगी तो वो ज़रूर इसका जिक्र करेंगे। अब देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी क्या कोई एक्शन लेती है, या मोहन मंडावी जो है एक आम भाजपा नेता की तरह काम करते रहेंगे। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सौरभ सिंह परिहार, आईबीसी 24 रायपुर।